गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स एंड ऑल द व्यूअर्स। ये जो आज का वीडियो है इनफर्टिलिटी पे है। मैं आपको हिंदी में बताने जा रहा हूँ नपुंसकता क्या होती है, कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाना, मेल इनफर्टिलिटी। तो हम बात करेंगे, जैसे इसको हम मान लेते हैं ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, पेशाब के रास्ते से आने वाला रास्ता प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है। इसी के साथ अटैच होता है सेमिन, ये इजैकुलेटरी डक्ट। हम इसको मान लेते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसके ऊपर हम मान लेंगे जैसे ये सेमिनल वेसिकल्स, तो ये सिक्रीट करता है फ्रक्टोस। तो जब ये फ्रक्टोस सेमिनल वेसिकल्स बनाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये इस इजैकुलेटरी डक्ट से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और फिर बाहर आएगा। तो इसको बोलते हैं फ्रक्टोस इन अ सीमन। अब इसी से अटैच होता है, इजैकुलेटरी डक्ट से ही अटैच होता है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो वास होता है ये सिक्रीट करता है स्पर्म टेस्टिस से। तो ये जो टेस्टिस है ये स्पर्म बनाती है, और ये इजेक्युलेटरी डक्ट से फ्रक्टोस प्लस स्पर्म दोनों मिलके निकलते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, इनफर्टिलिटी के केस में, जैसे अगर हम देखेंगे सीमन एनालिसिस में सिर्फ स्पर्म है और फ्रक्टोज एबसेंट है, तो फ्रक्टोज एबसेंट क्यों हुआ, क्योंकि हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो डक्ट है उसमें ब्लॉकेज है। और अगर स्पर्म एबसेंट है तो स्पर्म एबसेंट होने का कारण होगा हमारे सामने कि वास डिफरेंस जो है आपका, वास डिफरेंस का डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। कई बार स्पर्म इस वजह से भी नहीं आ पाता है क्योंकि टेस्टिस में एट्रोफी हो जाता है, एट्रोफिक टेस्टिस। तो इसलिए हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी लेना होता है पेशेंट का, तो उस केस में हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी लेना होता है। कई बार क्या होता है, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन ही है वास डिफरेंस में, तो हम क्या करेंगे, ट्रस्ट करेंगे ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, उससे हमें ये ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा तो हम ऑब्स्ट्रक्शन करेक्ट करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम करेक्ट करेंगे। और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि सीमन के अंदर ना फ्रक्टोस है ना टेस्टिस, वो स्पर्म है, तो उस केस में क्या होता है, इजेकुलेटरी डक्ट ब्लॉक होती है। अगर इजेकुलेटरी डक्ट ब्लॉकेज है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। तो ये इनफर्टिलिटी ट्रीट करने का क्राइटेरिया होता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा, आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ, एक बार ध्यान रखें। अगर आपका फ्रक्टोज एबसेंट है सीमन में तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डिफेक्ट है, अगर स्पर्म एबसेंट है और फ्रक्टोज प्रेजेंट है स्पर्म में तो वास डिफरेंस का डिफेक्ट है, अगर दोनों ही एबसेंट है तो क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इनको करेक्ट किया जाता है मेल इनफर्टिलिटी को। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके कारण क्या होते हैं मेल इनफर्टिलिटी के। मेल इनफर्टिलिटी के कारण होते हैं कई बार थायरॉइड डिसऑर्डर्स, कई बार हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया, प्रोलैक्टिन लेवल का बहुत राइज हो जाना, कई बार हॉर्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाना, कई बार बॉडी में एक्सेस वीकनेस हो जाना, और कुछ होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, पर इन सबको करेक्ट किया जाता है। स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म काउंट मेडिसिन से इंक्रीज किया जाएगा, पर अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है इस टाइप का तो उसको करेक्ट करना जरूरी है। टेस्टिस में एट्रोफी है तो उसको भी करेक्ट करेंगे। इसमें कुछ धूम्रपान से भी कुछ होता है सर? किससे? शराब, सिगरेट, इनसे भी कुछ? हाँ बिल्कुल, जो अल्कोहल है, जो धूम्रपान जैसा है, सिगरेट के आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डैमेज कर देता है, इनफर्टिलिटी डेवलप करता है, क्योंकि ये क्या करता है, नर्व्स का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ये नर्व्स को वीक करता है। जब वीक नर्व रहेगा तो इंटरकोर्स के दौरान प्रॉब्लम होगा और प्रॉपर एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, प्रॉपर स्पर्म सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण रहेगा। और जैसे पुरानी चोट, कभी बचपन में किसी की चोट या कुछ, इनसे भी फर्क पड़ता है। अगर जैसे किसी चोट के कारण किसी पेशेंट में कोई ट्रॉमेटिक इंजरी है या उसी कारण से वहाँ पे ब्लॉकेज हुआ हो, तो भी ये हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। जैसे इन्वेस्टिगेशन सीमन फ्रक्टोस, सीमन स्पर्म काउंट, तो वो हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितना है, मोर्टिलिटी कितना है पेशेंट का, तो उन सब से पता चलता है। ये मैंने आज आपको लेक्चर दिया है सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स के बारे में, तो इससे हमें यही पता चलता है। कई बार साइकोलॉजिकल भी होता है इनफर्टिलिटी, तो जो मोस्ट कॉमन हम देखेंगे कई बार साइकोलॉजिकल भी रहता है, और भी बहुत से कारण हैं, तो वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसको देखने पे कि वो कोई सिंड्रोम तो नहीं है। कई बार कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे कि हम बात करेंगे क्लाइनफ्लिंटर सिंड्रोम वगैरह हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनमें ये इनफर्टिलिटी रहता है। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। लाइफ स्टाइल तो आपका रहेगा ही, क्योंकि आपका डाइट ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज करेगा, पर कुछ केसेस में स्पर्म बाहर ही नहीं आ पा रहा है, तो उसका मैंने आपको बता दिया है कारण क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी होती है, तो इसकी हम जांच कराते हैं। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी से हम पता कर सकते हैं, सीमन एनालिसिस से हम पता कर सकते हैं। अगर उसमें फ्रक्टोज एब्सेंट है तो मैंने बता दिया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ऑब्स्ट्रक्शन है या उसमें कोई डिफेक्ट है,
और अगर उसमें स्पर्म एब्सेंट है तो वास डिफरेंस में प्रॉब्लम है, या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, या फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी। हाँ टेस्टिकुलर बायोप्सी। और मैं एक लास्ट में एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है हाँ। वो मोस्ट कॉमन कॉज है जिसमें स्पर्म भी एब्सेंट हो जाता है और आपका ये फ्रक्टोज भी एब्सेंट हो जाता है, इजेकुलेटरी डक्ट को ब्लॉक कर देता है ये। जैसे अपने ट्यूबरक्लोसिस का पूरा दिया कोर्स ले लिया, उसके बाद वो इजेकुलेटरी डक्ट अगर ब्लॉक है तो हमें वो करेक्ट करनी होगी, और हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान ही प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस है सर्जिकल करेक्शन करना होगा सर्जन को खुद को, ठीक है ना, तो वो सर्जिकल करेक्शन होता है। और भी कोई क्वेरीज हो तो पूछ सकते हैं। इनफर्टिलिटी। थैंक यू। थैंक यू।